डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में अभी अपन सी जी ओपन असाइनमेंट करने जा रहे हैं। तीसरा असाइनमेंट 3 अप्रैल मंथ के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, क्लास 12। इसमें दो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, एक साथ एक ही वीडियो। देखिए, ये 12th इकोनॉमिक्स है इंग्लिश मीडियम में, और 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज है ना। अगर आप लोग असाइनमेंट लिख चुके होंगे तो कम से कम जो आप आंसर लिखे हों उसका इसके साथ मैच कर लीजिएगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं। और मार्च का कई बच्चों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया है, वे जो है मार्च और अप्रैल दोनों का एक साथ 10 मई के पहले जमा कर देंगे। और कॉपी जो है उपलब्ध नहीं होगा, तो आप कॉपी, कोई भी कॉपी के बीच के पन्ना निकाल कर, पेजेस निकाल कर उसमें आंसर शीट बना कर जमा कर सकते हैं। सामने फ्रंट पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम है ना, कक्षा, परीक्षा केंद्र का नाम, और छात्र हस्ताक्षर करना ना भूलें। माता और पिता का नाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी रोल नंबर नहीं आए हैं। और 10 मई के बाद प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जो है वो वितरण चालू हो जाएगा, तो अपने सेंटर में जाकर पता कर लें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आंसर दोनों हैं। देखिए, असाइनमेंट 3rd क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ है। आपको क्वेश्चन कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ और आंसर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, इकोनॉमिक्स का है क्लास 12 का, नोट करते चले जाए। स्क्रीन को थोड़े थोड़े देर रोक कर पॉज करके नोट कर लीजिए, PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े 10-10 सेकेंड रोकते जाऊँगा स्क्रीन। एक्चुअली में बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों, क्लास 10 का ही 10 सब्जेक्ट है ना, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हूँ। क्लास 12 का 13 सब्जेक्ट है ओपन परीक्षा में, 13 13 26, यानी कि 26 सब्जेक्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए। इस वजह से है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा लेट से आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन प्राइसिंग इन फुल परफेक्ट कॉम्पिटिशन बाई टेबल एंड डाइग्राम। तो टेबल डाइग्राम दोनों दे दिया हूँ इसमें, देखिए आप। पहले थ्योरी है, थ्योरी पहले नोट कर ले। ये टेबल है, ऐसे टेबल बना लीजिएगा आप, इसका डायग्राम भी नीचे में दिया हूँ। ये डायग्राम है दोस्तों, वीडियो को देखते हुए आप बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके, या PDF से भी बना सकते हैं। इसकी थ्योरी है। इसके बाद क्वेश्चन 3, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड ए फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ और साथ में इसके नीचे आंसर है। देखिए आंसर छोटा सा है, आंसर एक फार्मूला लगाना है, ग्रॉस प्रोडक्ट माइनस डिप्रेशन इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इकोनॉमिक ग्रांट्स प्लस करके सारे को ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे में इसको सॉल्व किया गया है, 14,090.50 आंसर आएगा, 950। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ब्रीफ। नोट करते चले जाइए। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो हो गया है इसका इकोनॉमिक्स था ना। हाँ, इसके बाद आते हैं बिजनेस स्टडी। यहाँ से बिजनेस स्टडीज का स्टार्ट है, एक ही वीडियो में दोनों सब्जेक्ट का, इंग्लिश मीडियम सुविधा के लिए है।
क्वेश्चन वन है राइट फोर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रिफ्रेंस शेयर। ऐसे बढ़िया से आप कॉपी में 20 में लकीर खींचकर ऐसे डिफरेंस देना है ना। इसके बाद क्वेश्चन टू में आते हैं राइट एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। तो आंसर नीचे में है, आइए नीचे चलते हैं है ना। इसके बाद क्वेश्चन थ्री है राइट फोर क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्स पर्सन। सेल्समैन सेल पर्सन सब एक ही है, सेल्स पीपल। फोर क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्स पर्सन आंसर है यहाँ से, नोट करते चले जाइए। इसके बाद नीचे देखिए क्वेश्चन फोर राइट फोर डिफरेंस बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इसमें भी टेबल बना के बढ़िया डिफरेंस दे दिया हूँ, प्रिंटेड है बढ़िया साफ राइटिंग में, आप आराम से नोट कर सकते हैं। हाथ से लिखे हुए वाले में क्या है, बहुत सारा स्पेलिंग मिस होता है, कई प्रकार का मिस्टेक होता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, कंप्यूटर प्रिंट है। इसके बाद क्वेश्चन फाइव है राइट फोर इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पर फोर डिफरेंस है। तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों बिजनेस स्टडीज़ का सारे क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश मीडियम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण ओपन एग्जाम से रिलेटेड सूचनाएं दी जाती है, बीच बीच में एग्ज़ाम होना है कि नहीं, एग्ज़ाम में प्रमोशन हो सकता है कि नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में दिया जाता है। ऑल एग्ज़ाम सीजी बोर्ड हो, सीजी ओपन बोर्ड हो है ना, जो भी बोर्ड हो, सारे का सूचना आप मेरे सारे वीडियो को क्लिक करके देखिए, आपको सब में इन्फॉर्मेशन मिलेगा।